गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हमने पिछले वीडियो के अंदर साझेदारी की स्थापना के बारे में फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में स्टडी किया था। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं साझेदारी फर्म का पंजीयन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो स्टूडेंट्स साझेदारी फर्म के पंजीयन से तात्पर्य है कि किसी फर्म का पंजीयन फर्म के रजिस्ट्रार के द्वारा किया जाना ही अपने आप में फर्म का पंजीयन कहलाता है। अब रजिस्ट्रार के द्वारा किया जाता है तो फर्म जिस स्थान के ऊपर होती है उस स्थान या क्षेत्राधिकार का जो क्षेत्राधिकार में आने आने वाला जो कहने का मतलब रजिस्ट्रार होता है उसके क्षेत्राधिकार के अंदर फर्म आती है तो वही रजिस्ट्रार उस फर्म का पंजीयन कर सकता है और रजिस्ट्रार को राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब देखो स्टूडेंट्स आगे है साझेदारी का पंजीयन अनिवार्य नहीं, रजिस्ट्रेशन नॉट कंपल्सरी। देखो स्टूडेंट साझेदारी का पंजीयन अनिवार्य नहीं होता है बल्कि क्या होता है ऐच्छिक होता है, ऐच्छिक होता है। फर्म चाहे तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती है बल्कि अनिवार्य नहीं होता है। अब देखो पंजीयन का समय टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो स्टूडेंट्स पंजीयन का वैसे कोई समय निर्धारित नहीं होता है। सेक्शन 58 में कहा गया है, जो सेक्शन 58 है उसमें कहा गया है इसके लिए भी सेक्शन 58 ही है। ध्यान रखना सेक्शन 58 में एक बात बताई गई है कि रजिस्ट्रेशन का जो टाइम है वो निर्धारित नहीं है। कोई भी नई फर्म विद्यमान फर्म जब भी चाहे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। अब देखो स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है कि अगर मान लो कि साझेदारों ने वी साझेदारी फर्म के वी गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है तो प्रक्रिया शुरू होने के बाद में भी वो साझेदारी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई साझेदारी फर्म किसी के ऊपर वाद प्रस्तुत करना चाहती है तो उसको पहले अपना पंजीयन करवाना आवश्यक होता है सेक्शन 68 अंडर सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। आगे देखो कि अगर साझेदारी फर्म में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन का पंजीयन भी करवाना आवश्यक है स्टूडेंट्स। और यह भी ध्यान रखना कि अगर उस परिवर्तन का पंजीयन नहीं करवाया जाता है तो वह साझेदारी फर्म अनरजिस्टर्ड या अपंजीकृत फर्म ही मानी जाती है। अब देखो स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं तो आगे है पंजीयन की प्रक्रिया। पंजीयन की जो प्रक्रिया है प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 58 सेक्शन 59 के अंदर इस प्रोसेस को बताया गया है जिसमें सबसे फर्स्ट आता है निर्धारित फॉर्म प्राप्त करना। देखो स्टूडेंट्स जब साझेदारी फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है तो उसके लिए जो निर्धारित फॉर्म होता है या प्रार्थना पत्र है वो कहां से मिलता है रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त किया जाता है। नंबर दो निर्धारित जो फॉर्म होता है उसमें विवरण देना। देखो स्टूडेंट्स निर्धारित फॉर्म में विवरण के लिए क्या क्या दिया जाता है तो इसमें आपको सबसे पहले तो फर्म का नाम जो लिखा जाता है उसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी नाम फर्म का ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे ये प्रतीत हो आभास हो कि उस फर्म को गवर्नमेंट का सपोर्ट है या गवर्नमेंट का किसी प्रकार से अपने आप में कि वो संस्था गवर्नमेंट के तौर पे लगे ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे सहकारी समितियां क्लब रॉयल वगैरह कहने का मतलब यूएनओ ऐसे कुछ भी नाम उस फर्म के नाम में नहीं जुड़े हुए होने चाहिए। नंबर दो जो है उसके बाद में तो आप जो डिटेल दी जाती है निर्धारित फॉर्म में उसमें क्या बताया जाएगा कि स्थान
जहां फर्म का मुख्य कार्यालय है, मतलब वो स्थान का नाम जहां फर्म का मुख्य कार्यालय हो। नंबर तीन, अन्य स्थान जहां फर्म व्यवसाय करती हो। नंबर चार, साझेदारों के शामिल होने की तारीख, जो डेट है कि साझेदार ने कब से पार्टनरशिप में ज्वाइन किया वो। नंबर पांच है, साझेदारों के नाम और पते। नंबर छह है, कार्य विधि। ये सभी विवरण इस निर्धारित फॉर्म में देना पड़ता है। अब नंबर चार है, नंबर तीन जो है साझेदारों के द्वारा हस्ताक्षर करना। देखो स्टूडेंट्स, जब ये फॉर्म भर दिया जाता है तो उसके ऊपर साझेदारों के हस्ताक्षर होना जरूरी है। उसमें जो जो साझेदार हस्ताक्षर करते हैं उनके नाम पते वगैरह सब कुछ होते हैं। नंबर चार, आवश्यक शुल्क की रसीद। देखो स्टूडेंट्स, जो जब साझेदारों के द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं उसके बाद में जो रजिस्ट्रार कार्यालय होता है वहां पे पंजीयन की जो शुल्क, पंजीयन का जो शुल्क लगता है उसकी जो रसीद होती है वो भी साथ में इस फॉर्म के लगानी पड़ती है। और उस शुल्क का कितना उल्लेख किया गया है, तीन रुपए बताए गए हैं, ये ध्यान रखना। अब देखो आवश्यक शुल्क की रसीद, अब इसके बाद में क्या होगा कि जो पंजीयन कार्यालय में जमा करवाना, जो प्रार्थना पत्र को कहने का मतलब जो फॉर्म है उसको पंजीयन कार्यालय में जमा करवा दिया जाता है। जब पंजीयन कार्यालय में जमा हो जाता है तो उसके बाद में पंजीयन द्वारा निरीक्षण करना, निरीक्षण करना या जांच करना। देखो स्टूडेंट्स, जब जो निर्धारित फॉर्म है, प्रार्थना पत्र है, पंजीयन कार्यालय में जमा हो जाता है तो उसके बाद में जो रजिस्ट्रार है वो कहने का मतलब उसमें दिए गए जो तथ्य हैं, जो सूचनाएं हैं उनकी जांच करता है। अब जब वो सभी उनकी जांच में क्या करता है, रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्टर में फॉर्म का नाम दर्ज करना। देखो स्टूडेंट्स, जब रजिस्ट्रार फॉर्म को जो रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म होता है उसकी जांच करता है और वो सभी शर्तों को सही मानता है तो वो क्या करता है कि जो रजिस्ट्रार होता है वो रजिस्टर में जो रजिस्टर